आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप सभी लोग इस अवसर पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म जयंती के उपलक्ष में इकट्ठा हुए हैं। हम आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के चरणों में आप लोग उन्हें स्मरण करने आए। चेट्टी साहब और मैडम ज्योति चेट्टी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ये हमेशा ही जो प्रभु यीशु ने प्रेरणा दी है, प्रभु का प्रेरणा से अनुसरण कर रहे हैं। ये लगातार उन तबकों के लिए काम कर रहे हैं प्रभु ने, जिनकी सेवा के लिए ही इन्हें मेरा मानना है कि पैदा किया है। प्रभु ने तो बहुत सी बातें कही हैं। प्रभु ने कहा कि जो समाज में लोगों को तंग करते हैं, शोषण करते हैं, ऊंट तो जैसे सुई से निकल सकता है, लेकिन जो लोग समाज में दुख देते हैं लोगों को, प्रभु यीशु ने कहा है कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता, वो सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को जो संदेश यीशु मसीह साहब ने दिया, उस प्रभु ने दिया है, उस पर चलना चाहिए। जैसे पड़ोसी की बात आपने की कि कौन पड़ोसी है हमारा, जिन लोगों को हम किसी न किसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, उनके दुख में भागीदार हो सकते हैं, वही हमारा पड़ोसी है। अगर उसे कष्ट है, हम उसके कष्ट को निवारण कर रहे हैं। आज समाज के अंदर इस चीज का बहुत अभाव है, यहाँ नफरत फैलाई जाती है, अनेकों प्रकार से असहिष्णुता है। लेकिन विश्व जो बारूद के ढेर पर है, प्रभु यीशु के ही उपदेशों से, प्रेरणा से ही बच सकता है। प्रभु ने तो यहाँ तक कहा है कि सूर्य और चंद्र समान रूप से, जैसे न्यायी और अन्यायी दोनों पर प्रकाश फैलाते हैं, अपनी किरणें फैलाते हैं, हमें भी समाज में चाहे वो कितने ही खराब हो, उन लोगों के साथ भी सद्भाव का ही व्यवहार, समानता का व्यवहार। प्रभु के बारे में प्रभु ने इतनी बात कही है कि उनके बारे में कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान, क्योंकि इनका अवतरण ही इसीलिए होता है कि जब अंधकार होता है समाज, अन्याय होता समाज, समाज सही दिशा नहीं पकड़ता, तो ये महान लोग, ये प्रभु अवतरित होते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं लोगों को, संदेश देते हैं कि इस तरह व्यक्ति का, समाज का और पूरे वसुधा का कल्याण हो सकता है। हम लोगों को प्रभु के बताए मार्ग पर अगर हम एक कदम भी चलते हैं, तब भी हम प्रभु के चरणों में नमन करने के अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत शांति से यहाँ जो प्रभु के बारे में गुणगान गीत के माध्यम से हो रहा है,
और सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। बहुत जैसे मैडम ने और बिंदु राय ने हमारे लिए जो प्रभु से मांगा, और वो सत्य है कि 24 घंटे में ही सारी चीज़ें सकारात्मक हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो प्रभु की तो कृपा इतनी है, तो हम लोगों को प्रभु में विश्वास करना चाहिए कि सारे हमारे कष्ट कष्ट प्रभु दूर करेंगे। हम प्रभु को केवल स्मरण करें, याद करें, और उनके बंदों को याद करें जो बंदे हैं, उनकी खिदमत में काम करें। और मैं तो, मुझे तो बहुत खुशी यहाँ पर आकर होती है, और मैं आता ही इसलिए हूँ कि आप जो एच के छेट्टी जी हैं, ज्योति छेट्टी मैडम हैं, इनके अंदर जो भाव है, इनका जो गरीबों के प्रति, अंतिम व्यक्ति के प्रति जो भाव इनके अंदर, जो ये बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत स्मरणीय अनुकरणीय है, और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और हर तरह से जो बन पड़े हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ।